टीवी के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस पर कई सेलेब्स ने अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात की है। वहीं बिग बॉस के कई कंटेस्टेंट्स ऐसे भी हैं जिन पर चीटिंग का आरोप लगाया जा चुका है। जी हां, चलिए हम आपको बताते हैं इन महान कंटेस्टेंट्स के बारे में। इस लिस्ट में पहला नाम पारस छाबड़ा का आता है, जो कि बिग बॉस 13 में आने से पहले आकांक्षा पुरी को डेट कर रहे थे, लेकिन घर में आने के बाद वह माहिरा शर्मा से नजदीकियां बढ़ाने लगे, इस वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद आकांक्षा ने उन पर धोखा देने का आरोप लगाया था। वहीं बिग बॉस 15 में नजर आ चुके एजाज खान एक समय पर टीवी एक्ट्रेस अनीता हंसंदानी को डेट कर रहे थे। वहीं एक बार अनीता ने उन्हें एक कैनेडियन मॉडल के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने एजाज खान से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। करण कुंद्रा पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अनुष्का दांडेकर ने उन पर चीटिंग करने का आरोप लगाया था। जी हां, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस बात का खुलासा किया था कि करण कुंद्रा ने उन्हें चीट किया है। वेल, इन दिनों करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश को डेट कर रहे हैं। ये दोनों बिग बॉस के घर में ही एक दूसरे से मिले और नजदीक आए थे। बिग बॉस 4 के कंटेस्टेंट अली मर्चेंट और सारा खान ने घर के अंदर शादी रचाई थी, लेकिन बाहर निकलने के बाद दोनों का तलाक हो गया। कंगना रनौत के शो लॉकअप पर सना ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि अली ने उन्हें धोखा दिया था, कई सारी लड़कियों के साथ उनके अफेयर्स थे। वहीं बिग बॉस ओटीटी 2 में नजर आ चुके अविनाश सचदेव पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड पलक पुरस्वानी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उन्हें चीट किया है। उन्होंने कहा था कि जब उनके साथ वह रिलेशनशिप में थी तो अविनाश कई सारी लड़कियों को डेट कर रहे थे। वहीं प्रियांक शर्मा, जो बिग बॉस 11 का हिस्सा थे, शो पर आने से पहले वह दिव्या अग्रवाल को डेट कर रहे थे, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर बेनिफर संग उनकी बढ़ती नजदीकियों के कारण दिव्या ने उनसे ब्रेकअप कर लिया था। वह ऐसे और भी कंटेस्टेंट्स हैं जिन पर धोखा देने का आरोप लगाया जा चुका है। आप किन कंटेस्टेंट्स को जानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।